स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जो कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक है 11.11 पेट्रोल इंजन। ओके 11.11 पेट्रोल इंजन इसकी डायग्राम जो है मैंने यहां भी बनाई हुई है। ओके बच्चों पेट्रोल इंजन जो है हमारे पास यूजली आजकल जो है डिफरेंट इंजन जो आ रहे हैं ठीक है इनकी डिफरेंट कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन जो है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है। सो इसकी जो बेसिक प्रिंसिपल है अगर हम बात करें पेट्रोल इंजन की वो है कार्नट साइकिल। बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास क्या है कार्नट साइकिल। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। कार्नट साइकिल में आपने देखा था कि फोर प्रोसेसेस होते हैं। फोर प्रोसेसेस कैसे होते हैं कि दो प्रोसेसेस आइसोथर्मल जबकि दो प्रोसेसेस हमारे क्या होते हैं एडियाबैटिक होते हैं। सो जो हमारा फोर स्ट्रोक इंजन है उसका मतलब यह है कि उसके अंदर फोर प्रोसेसेस होने हैं एक साइकिल के अंदर। फोर स्ट्रोक मीन फोर स्ट्रोक इंजन। मीन्स कि इसके अंदर जो है फोर स्ट्रोक के अंदर क्या होना है फोर प्रोसेसेस होने इन अ साइकिल। यानी कि एक साइकिल के अंदर फोर प्रोसेसेस जो हैं वो होने हैं। तो पेट्रोल इंजन जो होता है टिपिकल पेट्रोल इंजन जो फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इसकी डायग्राम आपके बुक का पेज नंबर 256 जो है उसके अंदर बनाई गई है। ये मैंने यहां भी ड्रा की हुई है। आप देख सकते हैं कि यहां पे जो ये आपका मोटर बाइक का इंजन है। ओके सो मोटर बाइक इंजन के अंदर आप देख सकते हो ये हमारा पिस्टन है पूरा। इसके अंदर ये क्रैंक शाफ्ट है जो आपकी मोटर का होता है मोटर। इसके ऊपर जो है अगर जाए तो यहां पे हमारे पास ये दो वाल्व लगे होते हैं। अगर आप देखो अपने मोटर बाइक इंजन को जो उसका हेड होता है आगे उसके ऊपर एक नट लगा होता है एक बुलेट सा लगा होता है ऊपर और नीचे लगा होता है ऐसे एक ऊपर लगा एक नीचे लगता है। एक्चुअली ये वही चीज है ये वाले जो ब्लू कलर में वॉल्व है ना ये वही वॉल्व होते हैं हेड के ऊपर और नीचे। अगर आप बाइक की ट्यूनिंग करवाते हो तो आप देख सकते हैं कि इन वॉल्व की एक प्ले होती है इनकी एक मोशन होती है उनको एडजस्ट किया जाता है ताकि इनकी जो मूवमेंट है इनकी स्ट्राइकिंग जो स्ट्रोक होते हैं इनके वो इनकी एक फिक्स टाइमिंग होती है उस टाइमिंग के लिहाज से उनकी जो प्ले रखी जाती है उसके अंदर। ओके सो लेट्स टॉक अबाउट कि जो फोर स्ट्रोक हमारे पास पेट्रोल इंजन है मोटर बाइक का इसके ऊपर जो है प्लग लगा हुआ है स्पार्किंग प्लग है जिससे जो है पेट्रोल इग्निट होना है स्पार्क होना हाई टेम्परेचर और उसके वेपर्स बनने और प्रेशर जनरेट होना है और पिस्टन जो है ये हमारा पिस्टन जो है एक्चुअली। ओके तो इसके अंदर फोर सक्सेसिव प्रोसेसेस होने हैं इन ईच साइकिल। फोर प्रोसेसेस इन अ साइकिल इसलिए हम इसे फोर स्ट्रोक इंजन कहते हैं। हर एक साइकिल के अंदर ये फोर प्रोसेसेस होने हैं इंटरवली। सो ये फोर प्रोसेसेस जो है आपकी बुक के अंदर भी डिस्कस किए गए हैं वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बताता भी हूं। जब साइकिल स्टार्ट होता है तो होता क्या है देखें साइकिल जब स्टार्ट होता है तो यहां से जो है पेट्रोल इनटेक किया जाता है। जब पेट्रोल इनटेक किया जाता है पिस्टन जो है वो डाउनवर्ड आउटवर्ड यानी कि इस तरफ मूव करता है यानी ये क्लोज होता है तो नीचे को आता है सक्शन होती है उस वजह से पेट्रोल जो होता है नीचे को आता है इग्नेट होके। ओके जो पेट्रोल होता है एक्चुअली वो सिंपल पेट्रोल नहीं होता वो इग्नेटेड पेट्रोल होता है। वो कैसे इग्नेट होता है स्पार्क करता है एयर आती है एयर मिक्सर जो होता है और कार्बोरेटर से जो है इन वाल्व के थ्रू जो है एयर आती है और ये नीचे को आके जो सिलेंडर है हमारा कार्बोरेटर इसके साथ एडजस्ट होता है। कार्बोरेटर अगर आप देखें तो उसका काम ये होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ जो है एयर को पुश करना वो एयर और पेट्रोल ये इग्नेट हो गए एक मिक्सचर और हाई टेम्परेचर जो है ये कह रहे हैं एक वेपर फॉर्म में आता है जिस वजह से फिर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस में ये होता है कि कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में यह होता है कि पहले ये वॉल्व खुलते हैं ताकि पेट्रोल आए फिर ये वॉल्व बंद होते हैं। जब ये वॉल्व बंद होते हैं कंप्रेशन में पहला आइसोथर्मल प्रोसेस होता है दूसरा प्रोसेस हमारे पास सेकंड फेज स्टार्ट होता है वो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि वो कंप्रेस करता है इस पिस्टन को इनवर्ड तो ये इनवर्ड जो है मूव करता है तो ये आके इस क्रैंक शाफ्ट का जो
ये क्रैंक शाफ्ट इसके ऊपर हिट करता है, जब इसके ऊपर हीटिंग होती है तो ये इसको प्रेस करता है, प्रेस करने की वजह से ये क्रैंक शाफ्ट नीचे को आता है, तो ये थोड़ा सा नीचे को आता है फिर दोबारा ऊपर को जाता है। अब थर्ड प्रोसेस में ये होगा कि पावर स्ट्रोक, हमारे पास वो पावर स्ट्रोक होता है जिसमें फायर इग्निट की जाती है, यानी कि स्पार्क जो होता है अब वो वर्किंग पे आता है, स्पार्क जो वर्किंग में आता है जो मिक्सर होता है एक्चुअली, उससे क्या हाई प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो बर्निंग मिक्सचर की वजह से एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन होने के बाद एडियाबेटिकली फिर जो है वो क्या होता है फोर्सेस लगती हैं पिस्टन के ऊपर जो इस क्रैंकशाफ्ट को डाउनवर्ड मूव करती हैं, जिससे हमारा फ्लाई व्हील कह लें या मोटर का जो एक्सल है वो क्या करता है मूवमेंट में आता है। अब अगला जो लास्ट होता है वो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में होता ये है कि जो हमारी हीट जो Q1 हमारी हमने जो देखा वो आई, पहले हीट जो आई है उसमें कुछ यूज हुई, अब जो बाकी हीट बच जाती है ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर होता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आउटलेट वाल्व्स होते हैं, ये खुल जाते हैं दोबारा फिर, और ये वाल्व्स खुलने के बाद जो बकाया हीट बची होती है इसके अंदर उसे दोबारा फिर सिंक की तरफ जो है वो मूव कर दिया जाता है, जो आपका पिस्टन होता है बाहर, जो बाइक का जो होता है सिलेंड्रिकल पिस्टन बाहर होता है ना आपका, उसमें पिस्टन हम यूजली कहते हैं जो सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, तो इसके अंदर भी एक नाली होती है, वॉल्व होता है, ये इसके साथ अटैच होता है, तो यहाँ से जो है वो जो रेजिड्यूअल हीट है वो उसको एग्जॉस्ट कर दिया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसको एक्सपेल कर दिया जाता है, और पिस्टन दोबारा फिर अपवर्ड क्या करता है मूव करता है, ताकि जो हीट है इसके अंदर रेजिड्यूअल हीट है उसे बाहर को एक्सपेल किया जा सके। तो हर एक साइकिल के अंदर ये चार प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, लेकिन हमें यही लग रहा होता है कि ईच प्रोसेस में ये पिस्टन जो है अपवर्ड डाउनवर्ड जो है एक साइकिल के अंदर हो रहा है एक्चुअली, लेकिन इसके अंदर फोर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। और हर साइकिल जो है जब अपने इख्तिताम पे पहुंचता है, अपने एंडिंग पॉइंट पे पहुंचता है, मीन टू से एंडिंग पॉइंट यानी कि एग्जॉस्ट कर दिया जाता है, जब एक्सपेल कर दिया जाता है जो रेजिडुअल हीट होती है, जो बकाया हीट बच जाती है जो यूज नहीं हुई होती उसको जब एक्सपेल कर दिया जाता है, दोबारा फिर ये क्रैंक शाफ्ट अपनी पोजीशन पे आ जाता है। एक साइकिल हुआ दोबारा फिर दूसरा साइकिल, तो ये नंबर ऑफ साइकिल्स आरपीएम जिसे हम कहते हैं, नंबर फ्रॉम आरपीएम आप कहते हैं डिफरेंट गाड़ी के अंदर। और अगर हम कार की या गाड़ी की बात करते हैं तो इसकी जो डायग्राम जो है वो आपके पेज नंबर 257 पे वो मैंने ड्रॉ नहीं की, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी। इसके अंदर बच्चों यही ये एक पिस्टन वाला है, वहां पे फोर पिस्टन जो सक्सेसिव फोर पिस्टन डिफरेंट इंटरवल के साथ जो है पहले पिस्टन की मूवमेंट, दूसरे की, तीसरे की एंड फोर्थ की, उनको जो है टाइम्ड किया जाता है, उनको कह लें कि वहां पे अरेंजिंग उनकी होती है सीक्वेंस के साथ जो है ताकि वो चले, और कंटिन्यूसली जो है जो क्रैंक शाफ्ट होता है उनकी जो मूवमेंट है एक्सल के साथ जो उनको सिंक्रोनाइज किया जाता है एक्सल के साथ, ताकि वो कंटिन्यूसली जो है उस एक्सल को गाड़ी के व्हील को क्या कहें कह सकते हैं आपके वो उसको रोटेशन में रखें, ठीक है। तो उसके क्रैंक शाफ्ट में फोर व्हील होते हैं, फोर पिस्टन होते हैं, फोर क्रैंक शाफ्ट कह लें, इस तरह के चार इंजन लगे होते हैं जो कि इंटरवली जो है अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं, जबकि ये फिनोमिना जो है उसी के अंदर हो रहा होता है गाड़ी के जो कार होती है जो उसके सिलेंडर्स होते हैं उनको इस तरह टाइम किया जाता है। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, मैंने पहले जब डिस्कस किया था हीट इंजन्स को उसमें मैंने बताया था 29-30% जो है आपकी एफिशिएंसी होती है किसकी वाला पेट्रोल इंजन की, जो कि आपकी बुक के अंदर 25-30% लिखा गया है। जबकि अगर हम बात करें अब डीजल इंजन की, तो ये हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल थी किसकी, पेट्रोल इंजन की, पेट्रोल इंजन, ये पेट्रोल इंजन के बारे में था। अगर हम डीजल इंजन की बात करें, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट डीजल इंजन। तो डीजल इंजन में क्या होता है, डीजल इंजन में स्पार्किंग नहीं हो रही होती, डीजल इंजन में होता यह है कि जो फ्यूल होता है या डीजल जो होता है उसको स्प्रे किया जाता है स्प्रिंकल फॉर्म में, उसे पिस्टन के ऊपर सिलेंडर्स के ऊपर जो है वो स्प्रे किया जाता है, उसके बाद मैक्सिमम कंप्रेशन दिया जाता है विद द एयर मिक्सचर ऑफ एयर, एयर के साथ जो है वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर से जब कंप्रेस होता है, जब एयर कंप्रेस होती है फ्रिक्शन होती है, एक फ्रिक्ट करती है एकदम से जो प्रेसिंग होती है, तो उससे होता क्या है कि वो जो हमारा डीजल होता है वो इग्निट कर जाता है। जब वो इग्निट हो जाता है यानी फ्यूल मिक्सर जो है विद द एयर जो है इन कॉन्टैक्ट विद द एयर सिलेंडर्स के अंदर जब उसे कंप्रेस किया जाता है तो वो इग्निट होता है और वहां से वो प्रेशर जनरेट करता है। ऐसे जब वो एकदम से कंप्रेशन आता है एयर मिक्सचर विद फ्यूल यानी डीजल, तो क्या होता है इग्निशन होने के बाद वो एकदम से प्रेशर होता है वो पिस्टन को पुश करता है, जिस वजह से पिस्टन आउटवर्ड यानी के
क्रैंक शाफ्ट की तरफ आता है या उसके एक्सल की तरफ आता है, वो उसको रोटेट करता है, उस पर फोर्स लगाता है, तो इस तरह जो है वो कंटिन्यूसली जो है उसके अंदर नंबर ऑफ पिस्टन्स होते हैं, फोर पिस्टन, फोर स्ट्रोक है आपकी, और आपकी गाड़ी, ये तो पेट्रोल उसकी बात करें ना, मोटर बाइक की, जबकि आपका जो डीजल इंजन और गाड़ियाँ होती हैं आपकी, जो 4x4 व्हील गाड़ियाँ होती हैं जिनके अंदर डीजल यूज़ होते हैं, तो उसके अंदर जो उसकी डायग्राम उसने बनाई है उसमें फ़र्क यही है कि यहाँ पे इग्निशन वाला प्रोसेस जो है वो नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये इसकी डायग्राम मैं बना नहीं रहा, उसकी डायग्राम सेम टू सेम इसी तरह है, उसके जो वॉल्व्स हैं वो डाउनवर्ड होते हैं ताकि कंप्रेस किया जा सके एयर और जो हमारा डीजल है उसको स्प्रिंकल करके मिक्स करके, और जैसे ही वो इस पोजिशन पर आते हैं वहाँ पे आके जब एकदम से हाई प्रेशर के साथ उसे कंप्रेस किया जाता है एयर मिक्सचर विद फ्यूल यानी डीजल, तो वो इग्निशन के बाद जो है वो जो पिस्टन होता है उसका ये वॉल्व लगा होता है इस फॉर्म में क्रैंक शाफ्ट का, वो उसको पुश करते हैं तो हमारा जो क्रैंक शाफ्ट होता है वो मूवमेंट में आता है। तो डीजल इंजन में और जो हमारा पेट्रोल इंजन, इसमें यही फर्क है कि पेट्रोल इंजन के अंदर हम मिक्सचर को, एयर मिक्सचर एंड फ्यूल को पहले इग्निट करते हैं स्पार्किंग करवा के, जबकि डीजल इंजन के अंदर स्पार्किंग नहीं करवाई जाती, जो हमारा डीजल होता है, जो फ्यूल होता है उसे कंप्रेस किया जाता है विद द एयर मिक्सचर, और कंप्रेशन के दौरान जो है ड्यू टू फ्रिक्शन आप कह लें या ड्यू टू हाई प्रेशर कह लें, जो एयर होती है वो इग्निट हो जाती है, इग्निट कर देती है डीजल को यानी फ्यूल को, जिस वजह से प्रेशर जनरेट होता है और वो पिस्टन को पुश करता है डाउनवर्ड, तो इस तरह जो है ईच इंटरवल जो है हम ईच साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली जो है आपका क्रैंक शाफ्ट जो है रोटेट करता रहता है, और आपकी जो व्हीकल है, आपकी जो बस है, कार है, ट्रक है, वट एवर, उसकी जो व्हील होता है वो कंटिन्यूसली जो है वो रोटेशन में रहता है। ओके, अब अगर हम बात करें इसकी एफिशिएंसी की, तो डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो मोर देन पेट्रोल इंजन है। डीजल इंजन की इसकी एफिशिएंसी थी 25 से 30, जो कि मैंने कल 29 से 30 कहा था, यानी 30% तक, जबकि इसकी एफिशिएंसी 35% से 40% तक जाती है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह जो है आपका पेट्रोल इंजन और आपका डीजल इंजन वर्किंग करते हैं। सिर्फ फोर स्ट्रोक इंजन का आपको पता चल गया होगा, फोर स्ट्रोक क्यों कहा जाता है कि फोर प्रोसेस जो है एट अ टाइम एक साइकिल के अंदर हो रहे होते हैं, इतनी स्पीड से हो रहे होते हैं कि हम उनको ये कह सकते हैं कि ये नहीं कि एक प्रोसेस हुआ है तो फिर इंटरवल आया दूसरा प्रोसेस होगा, इंटरवल आया यानी कि एक साइकिल के अंदर, एक रोटेशन के अंदर जो है फोर प्रोसेस एट अ टाइम हो जाते हैं कंटिन्यूसली वन बाय वन। ओके, सो ईच साइकिल कंटेन फोर प्रोसेस, दैट्स वाई वी कॉल इट फोर स्ट्रोक इंजन।